हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स हंट पे। जैसा कि इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने देखा कि क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वाड्रिलेटर्स के टाइप। आज हम करेंगे रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता कैसे है और वो बनता कैसे है। तो रेक्टेंगल भी एक तरह का क्वाड्रिलेटर ही होता है, क्योंकि ये चार साइड से मिलके बनता है और रेक्टेंगल फोर स्ट्रेट लाइन से बनता है और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और पैरेलल होगी। ऐसे ही अगर हम इस साइड को मिला दें इससे और इसको मिला दें इससे, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो मतलब रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल एक तरह का क्वाड्रिलेटर है जिसकी चार साइड्स होती हैं और इसकी आमने सामने की मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये हमारे रेक्टेंगल की डेफिनेशन है, ए बी सी डी। ये हमने रेक्टेंगल मान लिया। इसमें हम ये बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। इसकी आमने सामने की साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स। और हम ये भी बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट करती हैं। तो आप ये बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि चारों एंगल 90 डिग्री है, तो इस पूरे रेक्टेंगल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री हो गया। और यही चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब आप इसको मान लीजिए ए बी और सी डी इक्वल है, तो आप ये मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है। अब ए सी डायगनल है आपका, आप अगर एक डायगनल ऐसे खींचेंगे ए सी और अगर आप इस डायगनल को बी और डी को मिलाएंगे तो ये भी एक डायगनल बन जाएगा। तो आप इस डायगनल की हाइट कैसे निकालेंगे कि डायगनल की लेंथ कितनी है। तो आप देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ए सी हाइपोटन्यूज है। लेंथ और ब्रेथ जो है ये आपके परपेंडिकुलर और बेस हैं। तो आप ये बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये डायगनल है ए सी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेम जो साइड होगी वो बी डी होगी, क्योंकि इसके दोनों डायगनल्स सेम होंगे। आप देख भी सकते हैं बी डी निकालने के लिए ट्रायंगल ए बी डी में ये एल है, ये बी होगा और बी डी जो है वो होगा हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो रेक्टेंगल है उसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो रेक्टेंगल है उसके डायगनल्स इक्वल होते हैं। अब ये लगाइए ये डायगनल जैसे ओ पे मीट कर रहे हैं, हमने ये मान लिया, तो ये इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ओ ए हो जाएगा ओ सी के इक्वल, ये इक्वल आएगा और ओ डी होगा ओ बी के। अब जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b। ये फॉर्मूलेज आपने पहले क्लासेस में भी पढ़े होंगे। अब इसके आगे चलते हैं हम। तो आप देखिए जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है बी सी डी, तो ये हाफ हो जाता है। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी देखें और ट्रायंगल ए सी डी देखें
तो ये जो डायगोनल ए सी बीच में कॉमन आ रहा है और ये इस पूरे रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब ए बी सी और ए डी सी इक्वल होगा। ऐसे ही ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी डी ये भी इक्वल होगा, तो मतलब ये जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया इक्वल होता है। देखिए ये एक रेक्टेंगल बनाया हमने यहाँ पर ए बी सी डी और हमने ये एक डायगोनल बनाया ए सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। और अगर हमने बी डी बनाया यहाँ से एक डायगोनल, तो बी डी भी तो ए सी के इक्वल ही है, तो और दो ट्रायंगल बन गए हमारे बी डी सी, तो उसका एरिया भी इक्वल आएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। और ये हाफ हाफ है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये इन ट्रायंगल्स का एरिया हाफ होगा रेक्टेंगल के एरिया के, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी। और ऐसे ही हम ट्रायंगल और जो छोटे ट्रायंगल हैं, अभी हमने बड़ा ट्रायंगल देखा सिर्फ डायगोनल में, अब आप देखिए ये डायगोनल ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ए। इन ट्रायंगल्स के एरिया भी इक्वल होंगे और ये इक्वल होगा 1/4 के। तो ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जिनको आप अपने क्वेश्चन में यूज करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा ये फॉर्मूलेज तब हैं जब रेक्टेंगल के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी और इसके रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ओ नहीं है जो डायगोनल को बाइसेक्ट करने पे आता है, ये कोई भी एक पॉइंट है रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी, ये डायगोनल का जो बाइसेक्शन पॉइंट है वो नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए इफ पी इज ए पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो हम ए पी को मिला लेते हैं, डी पी को मिला लेते हैं, सी पी को मिला लेते हैं और बी पी को मिला लेते हैं। इस पॉइंट पी से हम सारी साइड्स को मिला लेते हैं, तो अब आप देखेंगे इससे एक और रिलेशनशिप निकल के आता है जिसका प्रूफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बस यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो लिख लीजिए, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये एक रिलेशन निकलता है। और इसके बाद एरिया ऑफ पी ए बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पी सी बी प्लस एरिया ऑफ पी डी ए, मतलब अगर कोई भी एक पॉइंट पी रेक्टेंगल के अंदर है और उससे आप इसकी सारू जो इसके चारों पॉइंट्स हैं उसको मिला देते हैं तो इसमें चार ट्रायंगल बन जाएंगे, तो जो ये आमने सामने के ट्रायंगल हैं ऑपोजिट ट्रायंगल हैं उनका सम हमेशा इक्वल होगा। ये दो ऑपोजिट ट्रायंगल हैं इनका सम कर दिया, ये दो ऑपोजिट ट्रायंगल हैं इनका सम कर दिया और इन चारों का दो ऑपोजिट ट्रायंगल का सम एक दूसरे के इक्वल होगा। और एक और रिलेशन होता है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, मतलब जो सेम डायगोनली कह सकते हैं कि सेम आएगा उनका स्क्वायर का सम इक्वल होगा एक दूसरे के। तो ये अलग से पॉइंट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे फॉर्मूलेस थे, आपको ये सब याद करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि रेक्टेंगल होता क्या है। इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर्स के कुछ और टाइप्स और उनके पूरी प्रॉपर्टीज़, और पूरी सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।